जय जगन्नाथ प्रणाम। तर्के बहुदूर कार्यक्रम को आपण मान स्वागत। आपण माने जानती पुराण शास्त्र विभिन्न कथा वस्तु को नहीं आमे आमर ये कार्यक्रम प्रस्तुत करू। जोठी थाए द्वंद्व, जोठी थाए प्रश्नवाची, आमे सेठी खोजू उत्तर आउ समाधान। आज मनरे प्रश्न उठिला, अर्जुन उर्वशी पाखरे, उर्वशी तांको प्रति आकर्षित हेले, एक पाखिया प्रेम भावना, अर्जुन कौनसी भूमिका नहीं, किंतु अभिशाप भोगिबा को पड़िला गोटे वर्ष पाई बृहन्नळार स्वरूप नहीं। अवश्य परवर्ती पर्यायर जदि विचार करा जाए बृहन्नळार स्वरूप तांको पई गोटे दया बा करुणा बा सहायक भूमिका नेला, किंतु कौन एटा ठीक हैला उर्वशी अभिशाप आउ अर्जुन पी वीर पुरुष किन्नर हो जा उर्वशी ठीक कले ना भूल कले, अभिशाप आशीर्वाद फले ना फले ए संपर्क में चर्चा को आगे नवापी आम मान गहन अच्छा डाक्तर सत्यजित त्रिपाठी आउ सहित अच्छा पंडित हरिवल्लभ दास आसतु उभय को स्वागत करवा सुस्वागतम। प्रथम मु हरिवल्लभ बाबू जानवाक चाहिए पुराण पृष्ठार यही कहानी कौन संक्षिप्त कह व्यास सुंदर भाव यह आख्यान को संयुक्त कर समाजपाय दृष्टांत शिक्षण रही दृष्टांत कौन ए कथा वस्तु हूँ स्वर्गपुर को जाती देव देवराज इंद्र हूँ अर्जुन पिता पिता धर्म पिता से ठीक से जाती उर्वशी हूँ श्रेष्ठ नर्तकी तार नेम एंड फेम अच्छी सी प्रिय पात्री हूँ देवराज इंद्रंकर किंतु पत्नी नुहंती अच्छा ये किंतु हूँ देवदासी टी देवदासी शब्द टी बेस्या शब्द व्यवहार न करके देवदासी शब्द टी व्यवहार करुच्छी ना नीलजी अल्पवासी विविध कुसुमिता चारु नेत्री सुकंठी सुखमांगी हेम बरणी गजवर गमनी हेम ताटंग कन्नी तांबुलाधर चुंबित हरिकटी उत्पांग पीन स्तनी एतदेय द्वादश लक्षण सुकथिता बारांगना पंडिता बारांगना को मतलब पंडिता आख्या दि जाए सी ते देखी अर्जुन को पुत्रवत ज्ञान करने परिवर्ते मनरे सृष्टि काम भावना आकर्षित आकर्षित एवं प्रेम निवेदन कर तुमे मते आलिंगन कर एवं रमण कर ये नेकेड कथा को से मध्य प्रकाश किंतु अर्जुन साय नेचर तल को मुह पोति कहते माँ ये ठीक कथा नहीं माँ बोली संबोधन कर अर्जुन उर्वशी भितर से कथा देखिना देखिना उर्वशी कौन कले उर्वशी क्रोधान्विता ही गले एवं अभिशाप प्रदान कले तू मोर आवेदन को अस्वीकार कलु तू नपुंसक हो जा मैं तो पाखे पुरुषाकार ना बोधे तू नपुंसक हो जा नपुंसक हो जा। सत्यजित बाबू कहार अभिशाप दबा कहार आशीर्वाद दबा ताद्वारा जेंडर चेंज हो जा आपण वर्तमान समय जन युवक प्रतिष्ठित डाक्तर केमती देखुं ये कथा अभिशाप एवं आशीर्वाद ए कथा को मु मना करबी ना किंतु अभिशाप द्वारा जे लिंग परिवर्तन होइजिवो जेंडर चेंज होइजिवो ए कथा को मध्य मु स्वीकार करिवे नाही काहेकि स्वीकार करिवे नाही ना अभिशाप आशीर्वाद सेतिकि बेले आमे माने भाबू जे परिस्फुट हुए सभ्य समाज रे आमे माने चिंतनशील व्यक्ति चिंता करिवा दरकार दर्शक माने भी चिंता करिवा दरकार जदि बहुजन हिताय आ बहुजन सुखायर पंथा अवलंबन करी कौनसी कार्यक्रम हाथ को नि ता अभिशाप दि जाऊँगी हूँ तो अभिशाप प्रतिफलित हो पाए किंतु निजर आत्मकेंद्रिक स्वार्थ को चरितार्थ करने जदि जड़े अभिशाप दौले से अभिशापर माने कि ना से अभिशाप परवर्ती स्तर में आशीर्वाद भी परिणत हुए जहाँ पौराणर कथा वस्तु प्रतिफलित करणला हिसाब से आशीर्वाद हो गला तेणु ये गोटे शिक्षा व्यास कहले जुक्तिहीन विचारेण तत्वहानि प्रजायते युक्तिसंगत विचार करिवा नकरिवा द्वारा
तत्व प्रस्फुटित हो पारे ना। जदि आम यार प्रकृत तत्व को जीवा ताल ये एक शिक्षा जो शिक्षा देखा जे जो अभिशाप आत्मकेंद्रिक अभिशाप परवर्ती मुहूर्त आशीर्वाद प्रतिफलित होती बृहन्नार यार जो क्लीबत्व आसला ये क्लीबत्व एक वर्ष धरी आसवा यहाँ से अभिशापर गोटे प्रतिफलन यहाँ गोटे शिक्षा दिगला अभिशाप केमी आशीर्वाद प्रतिफलन हुए गोटे कहानी मध्यम शिक्षा दिगला किंतु नहीं गोपन रखी आप गोपन रखी कहूनी आप स्पष्ट भाव डाक्तरी प्रयोग कर अभिशाप देवी तू नारी अच्छु जा पुरुष ही जा ना ये कथा हेई परिबो ना आपण नारी अच्छु ये कथा हेई परिबो ना पुरुष आपण नारी अच्छु पुरुष होई जे कथा हेई परिबो ना अर्जुन ताले क्लिबो हेई गले उर्वशी अभिशाप रे केमति हला आपणकर महाभारत भितर को गले शिखंडी बोली जाने थिला जहाँ को देखी कि क्लीब देखी अग्रत विहल देवव्रत कहले से प्रतिज्ञा करथिले जे मु क्लीब देखिले संग्राम करिबिनी धनु धरिबिनी से जो क्लीब से झियो थिला अच्छा पुओ हला अच्छा विवाह कला तार संतान भी हेले से पुनी तार संतान भी हेले क्लीब तो संतान हबाटा मु देखि नहीं किंतु वर्णना अछि पुराण रे ताले से क्लीब हला केमती नै पुनी क्लीब तो तार फेरी पहला जणे ताकु देई दीथिले जो पुराण जो कथाटा कहूछि तणु इथरे बड़ संदेहास्पद दिग अछि मते केवल सेई कथाकु कुहंतु जे अर्जुन अभिशाप पाइले से क्लीबत्व तांको भितरे आसिला ठीक ना भूल ये जो क्लीबत्व आसिला बोली आमे कहूछु ताकु एक्सपेरिमेंट करा जाय नै नै ठीक ना भूल पुराण अनुजाई क्लीब भली आचरण रहिला किंतु पौरुषत्व थिला केमिति थिला नहले से संग्राम करबाबो जाई नथांदे गोधन हरण बेले जाई पहुंचंती नारी बेस सेतबळ को वर्ष पूरी आसिलान ना हां आसी के शेष समय हेलानी शेष समय हेलानी हे सारची किंतु से झियो नु ई पुओ भली आचरण नु रहिबा पाई गोपन रे रहिबा पाई छद्म बेसर रहिबा पाई एई बरदानटा काम कला एति पाई से आ झियो मो प्रश्नर उत्तर पाइलेनी मो प्रश्नर उत्तर अर्जुन को उर्वशी अभिशाप देले जे तुमे मोर आवेदन को ग्रहण कलनी तुम पाखरे पुरुषाकार नाही तुमे क्लीब हो जा बोली तो समग्र जीवन तो क्लीब हो पारनी नाई मु सारंकर कथा एकमत नुह क्लीब हबा नहबा यो कथ पचारे मु सीधा अर्जुन कथा को जीवी मु अन्य कोनोसी चर्चा को जीवापाई चाहूना आपण जो प्रश्न पचार सीधा सीधा जो उर्वशी अभिशाप अर्जुन क्लीब हेले कि ना से वर्षक हूँ से वर्षक हूँ दु वर्ष हूँ बा अभिशाप संपूर्ण हो जातु हेले कि ना कौन सी अभिशाप कई क्लीब हो पारे ना जी क्लीब सी जन्मरु क्लीब श्रीखंडी कथा जहाँ कहते श्रीखंडी जो जन्म रु क्लीब ना मध्यम वयस्क क्लीब हो गले जहाँ पाखे क्लीबत्व परिप्रकाशित हो आम ट्रांसजेंडर बोली कहूँ जहाँ पाखे पुरुष है नारी सुलभ गुण परिप्रकाशित हो नारी है पुरुष सुलभ गुण परिप्रकाशित हो लिंग नारीत्व थी पुरुषत्व थी लिंगर पर नही गुणर पर घटू आम किन्नर बोली कहू बा ट्रांसजेंडर बोली कहू लिंग किंतु समान थी परिवर्तन हम ना ताहले अर्जुन भितर मध्यम वयस्क किभली भाव में क्लीबत्व परिप्रकाशित होगा एक कल्पकल्पित कहानी आ देहरे कौनसी कथा ना किंतु आ देहरे जो मेसेज टी देवाई जो बार्ता अच्छी ये एक कथा कहूँ जदि मु वर्तमान आपण मुंडरे चुट्टी लगे दिए आपण को सजे दिए शाढ़ी पिंधे दिए पाउजी पिंधे दिए आपण भी नारी भली देखाजे आपण भितर भी किसी फेमिनाइन भाव सृष्टि हे आपण भितर भी किसी नारी सुलभ भाव सृष्टि हे आपण भी चाहिए कथा परिवर्तन करि टिके नारी भली कहि परिबे ता माने नो जे आपण कहि परिबे ना एटा कोन आ गया नाटकीयता डाक्टर आ जो कथा कहउचंती एबे मध्ये तांकरी विद्या रे जेंडर चेंज होवार प्रमाण मध्ये आमे सुनिबो पाउछु ना जेंडर चेंज होवार प्रमाण केवल सर्जरी परे सेतेबेले कोन उर्वशी अर्जुन को सर्जरी करथिले आपण सर्जरीटा केते पुरुणा आपण देखंथु अमर जते बेले नै शास्त्र रे प्रमाण अछि कि अर्जुन सर्जरी हेइतले बोली सुनथु वर्षे पर्यंत अर्जुन सर्जरी हेइ ना वर्षे सर्जरी हे कि फुणी पुरुष सर्जरी आउतरे ना 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 सर्जरी कि मु जमा जाउ नै नै कथाटा कहानी बोली कहि देले उडेई देले आपण कोना को कहानी बोली कहि उडेई देबे कहानी नु हे जोटा को कहउछन्थे आमे वास्तव युक्तिटा को ग्रहण करिबा अच्छा आमे के अर्जुन को देखु नथिले से प्रकृत रे
क्लीब होइचंदी कोन अच्छा क्लीब भली तंकर आचरण थिला अच्छा एवं सेई आसे अभिशापटा आशीर्वाद हला काई कि ना समस्त ग्रहण करि गेले जे यही भली गोटा आशीर्वाद अभिशाप दिया जाइछि जा फले अर्जुन क्लीब ए क्लीबत्वटा पाई से नृत्य शिक्षक हिसाब पर रहले नै मु वर्तमान कहबी जे अज्ञातवास रे से ब्रह्मनळा हेले भीम रोसैया हेले ताले भीम गदा धर नथिले जे रोसै चट्टु केवल धरतले जीवन जाक भीम केबे गदा धर नथिले जीवन जाक पिला दिनु रोसै चट्टुटा से धरतले से एक छद्म प्रक्रिया एई जो छद्म प्रक्रिया रे लुचिबा पई आमे जेमि ड्रामा करूचे आमे माने स्कूल रे जेमि मनो एक्टिंग करूचे सेमते अर्जुन वर्षे पई गोटे छद्म प्रक्रिया रे मनो एक्टिंग करितले ड्रामा करूतले लुचिकि रहिया पई रहितले ये कथा सहित मु संपूर्ण भाव रे एकमत दर्शक समाज ता ग्रहण करिवे जे जोटा वास्तव आमे तो कई देखि नथिले बा कोन करा हाइतिला पुणी जणे नारी हे साला परे पुणी पुरुष होबार तो कथा नाही तेनु सेही समय पई यही भली एक प्रक्रिया सृष्टि करा जाइथिला जोटा कि से माने गोपन रे समयटा को अतिवाहित करि परिले ताहाले उर्वशी को अभिशाप ताले फळी नथिला आपण जा सिद्धांत नै उर्वशी को अभिशाप कोनोसी फळी नथिला ई जो उर्वशी को अभिशाप रो कथा आपण उठुचंती उर्वशी होय तो शास्त्र प्रमाण अनुसार अभिशाप देइताई परंती किंतु शास्त्र एक प्रमाणित कर दौर ब्रह्मनळा बेस जे आत्मकैंद्रिक भाव नहीं कि अभिशाप दे मनीष निजर लालसा को मेटाइबापी अभिशाप दौर मनीष से अभिशाप के प्रतिफलित हुए ना से देवकन्या हूँ ब्राह्मण हूँ परिस्थिति हूँ ठीक अच्छे परिस्थिति जहा हौ अभिशाप अभिशाप आशीर्वाद आशीर्वाद जदि उर्वशी अभिशाप दे परवर्त पर्यायर जहा हम फल कथा तो आपण कहउचंदी फळिलानी से एक नाटकीय चरित्र रूप रे ताको ग्रहण करले ता माने माने मु जहा कहिबा को चाहुची जे परिस मनुष्य होची परिस्थिति रो दास जोटा को उर्वशी अभिशाप देचंदी ताले जदी से अभिशाप देई थांदे ताले समग्र जीवन काल से नपुंसक होई रही थांदे कार्यक्रम रो आलोचना आपण विरति पूर्वरु सुनुथिले डाक्टर सत्यजित बाबू युवक डाक्टर पुराणर विषय वस्तु तांकपाई काव्यकार कविर कल्पना प्रसूत कथा वस्तु आपण कोन कथा स्वीकार करुचंदी ना ये कपोल कल्पित कहानी नुहे ये सत्य उपर आधारित एक कहानी जहाँ केमिति समाज रे विस्मय सृष्टि करिवो अभिशाप से देले जो अभिशाप देले से अभिशापटा आशीर्वाद रे परिणत हिछि विश्व रे जे कोनसी कार्य जे करू जे समाज रो मंगल पई कार्य करिवो ता पई अभिशाप आशीर्वाद रो कार्य करे एठी से देइचंदी जोटा अभिशाप देइचंदी जे तमे नपुंसक हे जा ए कपल कल्पित कहानी काई हेबो अच्छा आउ गोटे कथा सत्यदेव मु सुनिछि जहाई पुराण रो माने ई कहानी रो पछो भाग अभिशाप देई सारिला परे से निजरो ई अभिशाप पई अनुताप करिचंदी अर्जुन तांकु जणे दउचंती जे एपरी करिवा आपणकर ठीक हेलानी ना एक कथा इंद्र जानिला परे इंद्र जत्ते बेले तांकु कहिक चंती सेते बेले तांका भीतर अनुताप सृष्टि हे सृष्टि हेछि तणे ये अनुताप फळ रे से कहउचंती मु तो अभिशाप देइछि फळिबो मु तार समय सीमाटा को कम कर देउछि अर्जुन रो इच्छा दिन रहिला ए कथा जत्ते बेले से इच्छा करिवो निर्दिष्ट आवश्यकता बा समय सीमा भीतर गोटिए वर्ष पई से क्लीबद्ध ग्रहण करबो मु आपणकु वर्तमान प्रश्न पचारुछि मु आपण को अभिशाप दौची वर्षे भितर आपण जिते चिंता करेंगे आपण से समय आपणकर लिंग को परिवर्तन कर दे पारे आजिका समय रे वर्तमान ये समय रे जुग आसी पहुँची आम मैंने बुद्धिशील मनीष आम मैंने कहीपरिया कि आम वर्षे भितर आम लिंग को परिवर्तन करदे पुणी वर्षे भितर पुणी लिंग आउ थे परिवर्तन करदे से जगह पहुंची ना 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 पुराणरु विज्ञान नाही नाही आपण विज्ञान विज्ञान आपण विज्ञान को अलगा करंतुनी सुन पुराण विज्ञान अंगांगी बाबे जडित साइंस मींस टू नो साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड थ्रू ऑब्जर्वेशन इंटरप्रिटेशन जनरलाइजेशन एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ वेरियस आपण ए जो संज्ञा एबे निरूपण कले ए संज्ञा सब बहु पूर्वरु निर्मित निरूपित आमर एई पुराण रे चर्चा अछि श्रीमद् भागवत रे आमे देखिबा जणे राजा निजर पुरुषाकार को नहीं गोटे जंगल भितर पशिगला बेलू को नारी रे परिणत हो जाउचंती कारण पूर्वर शिवंकर अभिशाप अछि जदि केही पुरुष आसे या भितर को पशि आसे से नारी हो जीव एतरो बुझा पडुची जंगल टा जोटे परिवेश नहीं एक कथा गोटे 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 परीक्षा गृह आपण एटी कंट्राडिक्ट करंतुनी आपण परीक्षा गृह ठीक सेही भली
ସେଇଭଳି ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଯଦି କ୍ଲିବତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଲାଘବ କରିଦିଏ, ନା ନା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଲାଘବ କରିଦିଆଗଲା ତାକୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପଚାରିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଜଣେ ଲୋକ ନାରୀ ହେଇଯିବ, ହୁଏତ ଏ କଥାରେ କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଇପାରେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ନାରୀ ସୁଲଭ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆର କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ଦିଗ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଉର୍ବଶୀଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେ ଛଦ୍ମବେଶ ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ନାରୀ ଭଳି ରହିଥାଇପାରନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ପୁରାଣରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଜଣେ କବି ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ବସେ ସେ ତା ପରିବେଶରେ ପାଇଥିବା ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟକ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଲିଟରେଚର ଇଜ୍ ଦି ମିରର ଅଫ ଦି ସୋସାଇଟି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗମଳୁକରୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ କୋଷିକା ନେଇ ଅବିକଳ ସେଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବା ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଗରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କଥା। ଯଦି ଭାନୁମତି ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ତାର ପ୍ରୋସିଡିଅର ଅଛି, ସେମିତି ମତେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୋସିଡିଅର କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ବୃହନ୍ନଳା ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ। ନାଇଁ, ଏ ପ୍ରୋସିଡିଅରକୁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କରିଦିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଗୋପନୀୟରେ କୌଣସି କିଛିଟା କାହାଣୀ ସତ୍ୟତ କଥା ସହିତ କିଛି କାହାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଏକ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବି କହୁନି, କାହାଣୀ ବି କହୁନି, ସତ୍ୟ ସହିତ କିଛି କାହାଣୀ କି ଫ୍ୟାବ୍ରିକେଟ୍ କରାହେଇକି ଆକୁ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ରେ ସମାଜ, ଯଦି ତୁମେ ଏଇଭଳି କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଫଳ ପାଇବ। ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ତ ଆମେ କେବେ ବି ଏଡ଼ି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଗଟି ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଅର୍ଜୁନ ଏଭଳି କିଛି ଅପରାଧ କରୁନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଲାଗିବ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କି ମନା କରିଥିଲା, ଜଣେ ସଂସ୍କାରୀ ଯୁବକ ଭାବରେ ସେ ମନା କରିଛି, ନା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ଦେବଦାସୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରମଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା, ସେ ତଳେ ଆସିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଭିଶାପଟା ଦେଉଛି ଉର୍ବଶୀ, ଉର୍ବଶୀର ଅଭିଶାପଟା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବୋଲି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଅର୍ଜୁନ ପରି ଚରିତ୍ର ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ସତ୍ୟଦେବ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେତେ ଛଦ୍ମ ରୂପକୁ ସେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ ବି ତାର ସେ ପୁରୁଷାକାର ଫୁଟି ବାହାରିବ, ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେ ମଳିନ ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର, ତାର ପୁରୁଷାକାରଟା ନାରୀସୁଲଭ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେମିତି କ୍ଲିବତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନା ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ଏ ଅଭିଶାପଟା ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଅଭିଶାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଏ ଅଭିଶାପ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ଆର କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ଦିଗ ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରହିଥିଲେ, ଯେମିତି ସିଏ କୁଶଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ କୁଶଳୀ। ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ କିଏ ନା ଯିଏ ଧନୁଟାକୁ ଧରିପାରିବ, ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିଲେ, ଭଲ ବଜେଇ ପାରୁଥିଲେ, ଭଲ ନାଚି ପାରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜବଂଶରେ ବଢ଼ି କଳା ପ୍ରେମୀ ସିଏ ଥିଲେ, ତେଣୁ କଳା ସହିତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କଳା ଅଛି, ତା ସହିତ ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଡାଉଟ୍ ବି କରାହେଇଛି, ଅର୍ଜୁନକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଡାଉଟ୍ ବି କରାହେଇଛି, ଆମେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେତେଥର ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି। କଥାବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହୁଛି, ବର୍ଷେ ପୁରିଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଭିଶାପ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ବି ବୃହନ୍ନଳା ଭାବରେ ଲଢିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ, ବୃହନ୍ନଳା ହିସାବରେ ଲଢିଛନ୍ତି, ବୃହନ୍ନଳାର ବେଶରେ ଲଢିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ବୃହନ୍ନଳା ବେଶରେ ସେ ଲଢିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୃହନ୍ନଳା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ, ଅର୍ଜୁନ ନୁହନ୍ତି। ନଳ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ, କର୍କଟକ ନାଗଟା ରହିଛି, ସେ କହିଲା ମତେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଇଏ ଦୟା ପରବଶ ହେଇକିରି ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଲା ବେଳେ କହିଲେ 10 ପାଉଣ୍ଡ ନବୁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦଂଶନ କଲା ଏବଂ କୁରୁପ ହେଇଗଲେ। କହିଲା ରେ 10 କହିଲେ ତମ ପାଇଁ କହିଲେ ମତେ ଦଂଶ, ଏଟା ତମ ପାଇଁ ବରଦାନ ହବ, ତୁମେ କୁରୁପ ହବ,
मते स्मरण कले तुम रूप पुणी फेरी पाइब से तुम घोड़ा घास काट ये हूँ तुम कर्म फल कर्म फल को कहीं काटिपारे ना सीता कहते मो कर्मपाई दोषी नुहंती एक कथा वस्तुर जो तार्किक दिग तर्क तो समाधान हो पारना आम जनता जनार्दन कौन विचार कर देखा मत और मंतव्य जो इंद्र सभा अर्जुन को अनुभव कले पिता जे अर्जुन बोधे आकांक्षित अच्छा रुवर्ष तेणु तक शयन कक्ष को उर्वशी की पहुँचापी छाड़े शयन कक्ष में जिते से उर्वशी पहुँचती सी से हतबाक होगले कारण ये तो माँ हे तेणु से माँ भाव ग्रहण करो तो आशीर्वाद आशीष नवा अपेक्षा जो प्रीति दवा को सीरा को भल भाव ग्रहण कले ना किंतु एतरे उत्पत्ति रहीगले उर्वशी तेणु आदर भगवत प्रेम रही तुम क्लीब हो जाओ जो क्लीब होटा यथार्थ बहु पक्षर केते कार्य लगला पृथ्वी इतिहास समस्ते जानी समस्ते बुझे केते जरूरी महाभारत युद्ध श्रेष्ठतम कार्य लगला यहाँ यथार्थ हवा उचित था क्लीबटा जो कहुचे आम पाखे यहाँ यथार्थ कथा नुह भर आम पाखे एत मन बुद्धि अहंकार भितर थला बेले आम सादा सादा भितर सीना विचार कर किंतु महत भगवत प्रेम भितर को आम कहीं जापर आ द्वारा भगवत प्रेम कौन रही दुनिया संसार कि उपकार आसो आम एक बुझीपार शुणिले तो जनता जनार्दन मत शुणुले डाक्तर सत्यजित त्रिपाठी सहित हरिवल्लभ बाबूंर आलोचना मो मन गोटे विचार आसला भगवान जितेबले कृपा करती सेतेबले से आमपाई विधि निर्दिष्ट भाव विभिन्न प्रकार समय स्थिरीकृत कर रखती आम जीवन में प्रत्येक से समय दे जाइए उत्थान पतन भितर आम अनुभव कर सबुगुड़िक हूँ ईश्वर कृपा जदि एभली कृपा हो न था ताहले हुए तो आम पर जीवन आउ गोटे विपरीतमुखी दिगरे गतिशील होता कार्यक्रम को समाप्त करने पूर्व आम गहन रही विचारधारा को आगे नहीं थी आसतु विज्ञ आलोचक मान कृतज्ञता ज्ञापन करवा जय जगन्नाथ जय जय जाऊ जाऊ आपण कह अभिशाप हो कि आशीर्वाद ये सब बेले विधि निर्दिष्ट आमर जीवनर कल्याण पाई ईश्वर द्वारा प्रेरित आपण मन किसी संदेह अच्छी शास्त्र आ पुराण कथा वस्तु को नहीं तेब आम पाख को चिठी लिखतु लेखिले तो समय सरी जाइए मत विदाय दिंतु आसंता समय भेट हवा जय जगन्नाथ नमस्कार। तर्के बहु दूर प्रार्थना आम आनंदर उत्स।